फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज जाना हो रहा है हमें अपने मेरठ सिटी में, क्योंकि हमें लाने हैं कुछ अपनी दुकान के लिए कुछ कपड़े, शॉपिंग करनी है। तो अब तैयारी हो चुकी है, मैं रेडी हूँ। और बाइक से नहीं जाएंगे, एक्टिवा से जाएंगे, क्योंकि बाइक की सर्विस नहीं हुई है अभी, तो इस वजह से एक्टिवा से जा रहे हैं। तो दिखाते हैं आपको कुछ छोटी मोटी क्लिप, हो सकता है आपको अच्छी लगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे। हो गए तैयार? चलें। स्लीपर पहनो और पानी की बोतल रखो। हाँ तो इसको रखो, चाय दे दो। हाँ आदि, चाय दे के आओ और थोड़ा नहा धो लो और कल से स्कूल की तैयारी। स्ट्रेट खड़े हो जाओ। हाय गाइस, तो हम तैयार हो गए हैं। तो ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग तो खैर हो ही गई है, आपको पता है। तो मैंने ये वाली कुर्ती डाली। तो आदि क्या कर रहा है? हाँ क्या कर रहा है? तो ब्लॉगिंग की तो स्टार्टिंग हो गई है फ्रेंड्स। तो अभी हमें जाना है मेरठ। तो अभी तैयार हो गई हूँ। फिलहाल अभी बिंदी रह रही है, मेरी बिंदी नहीं लगाई है। तो ये वाली कुर्ती बहुत ढीली है और मैंने इसको फिटिंग में करवाया नहीं है, क्योंकि जब ढीले डाले ही कपड़े अच्छे लगते हैं गर्मी में। बिल्कुल फिटिंग के तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो कुर्ती ये वाली डाल ली है, फ्रॉक वाली। तो इसको नहा लेना, ठीक है? पानी गर्म हो रहा है, अगर गर्म से नहाना है, ठंडे से नहाना है तो ठंडे से नहा ले। क्या क्यों भड़क रहे हो? हाँ तो चलो ना, भड़क क्यों रहे हो फिर? सारे दिन भड़कना भड़कना है भाई, बहुत गुस्सा करते हैं। चलो तो अभी तैयार करना, क्योंकि बहुत ज्यादा जल्दी रहती है ना, कभी कहीं जाना होता है ना तो बहुत जल्दी कर। तो दो तीन का क्या करेगा तू? तो भाई हम चल रहे हैं, मैंने चप्पल्स ले लिया है। अच्छा आईफोन लेगा, लाइट बंद कर देता है। बिना उसके कैसे काम चलेगा भैया? तो चश्मा ले लिया है मैंने, क्योंकि रास्ते में आंखों में कचरा जाने का डर रहता है। दिल्ली चल रहे। तो यार हम घर से निकल लिए हैं। तो घर से निकलने के बाद एक्टिवा से जा रहे हैं, क्योंकि कभी चलो एक्टिवा से चलते हैं, क्योंकि गाड़ी का थोड़ा सा वही है, ज़्यादा सामान भी नहीं था। तो हमने सोचा चलो हम टू व्हीलर से ही जाके, और मौसम ख़राब हो रहा है, देखो बारिश वाला, आजकल बारिश वाला मौसम चल रहा है वैसे भी, और सभी किसानों की मतलब फसल भी आ रही है, और बारिश ने इतना परेशान करके रखा हुआ है कि सारी फसल बर्बाद करी हुई है। तो हम रास्ते में जा रहे, तो यहाँ एक ये न्यू ढाबा खुला हुआ है, तो ये मैं आपको दिखा रही थी। तो हम पहुँच लिए, तो देखो मेरठ जा रहे हैं, विहापुड़ भी पार नहीं किया है, गुलावठी में है मतलब जो जा रहे हैं। तो ये मौसम भी काफ़ी ख़राब हो रहा है। तो देखिए बाहर का काफ़ी अच्छा लग रहा था, मतलब मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था, धूप भी नहीं थी, लेकिन क्या करें, आदमी मजबूर है इस बारिश की वजह से। मतलब कुछ किसान भाई बहुत ज़्यादा परेशान है। तो मेरठ सिटी हापुड़ पहुँच गए हैं। तो ये देखिए हापुड़ में है हम जो पहुँचे हैं, तो वही हापुड़ का दिखा रही थी। तो यहाँ पे रुके हुए थे, क्योंकि होता है ना कि जब स्टॉप होता है तो वहाँ पे रुकना पड़ता है। तो देखिए हम चल रहे हैं, तो यहाँ से चलने के बाद पहुँच गए हैं मेरठ में। तो मेरठ वही बीच में छोटी छोटी क्लिप ली थी, ज़्यादा मतलब मैंने कुछ नहीं लिया इतना बड़ा, कि भाई चलो ज़्यादा फिर बोरिंग सा हो जाता है। तो वही मैंने छोटी छोटी के लिए बनाई थी। तो मेरठ अपनी शॉपिंग के लिए जा रही थी, तो पास में घर पड़ता है लेकिन घर पे नहीं जा पाऊँगी। तो हम पहुँच चुके हैं तो मार्केट में, तो मुझे यहाँ से कुछ शॉपिंग करनी है, और शॉपिंग करने के बाद फिर निकलना है मतलब गांव के लिए। तो मैं वही जा रही थी, तो इन्होंने थोड़ा सा वीडियो शूट कर लिया था। तो चल लिए हैं शॉपिंग करके। अब शॉपिंग करने के बाद फिर पहुँचेंगे नर्सरी। तो नर्सरी में जाना है, तो वहाँ से कुछ पेड़ पौधे लेने हैं। तो देखिए सामान हमने ले लिया है,
और सामान लेने के बाद पहुंचते हैं नर्सरी में। और आप ये हम चल दिए हैं नर्सरी में, तो ये तो चले गए आगे, तो यहाँ से नर्सरी स्टार्ट हो गई है। तो हमने सोचा चलो हम सामान लेने आए हैं तो कुछ अपने घर के लिए पेड़ पौधे ले लेते हैं। तो देखो यहाँ पे ये नर्सरी स्टार्ट है। हाय गाइस, हम आ गए हैं देखो नर्सरी में, तो ये आगे चले गए हैं। तो देखते हैं कि कुछ पेड़ पौधे मिलते हैं फिर। यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, काफ़ी अच्छी नर्सरी है, तो भी जा रही मैं भी। और आगे आपको दिख, तो ये देखिए ये लग रहे हैं यहाँ से यहाँ तक मिला। क्या हुआ? तो ये देखिए ऐसी तो बहुत चीज मिलेंगे, नहीं मिलेगा वो पॉलीपैड। ये भाई सब कुछ गुड़ है, यहाँ पे भी रखा हुआ इधर आगे शायद आगे भी है। तो वहाँ देख लो, चलो वो भी गमले में ही आ जाओ। अच्छा गमले में। तो फ्रेंड्स गुलाब का तो ये है ना, तो यहाँ हम पहुँच चुके हैं। बहुत बड़ी नर्सरी है, देखिए काफी सुंदर सुंदर पौधे हैं क्या। तो फ्रेंड्स ये जा रहे हैं लेने के लिए, अब मैं सामान के पास खड़ी हो जाती हूँ, थोड़ा मैं यहीं पर रहूँ। फिर आगे हैं नर्सरी में आज, तो सोचा कि शॉपिंग करके आए, चलो थोड़ी सी तो अपने कुछ घर के लिए डेकोरेशन की कुछ मतलब पेड़ पौधे ले लेते हैं। तो वही नर्सरी में पहुँच गई हूँ मैं, काफ़ी बड़ी है नर्सरी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे नर्सरी आई है, बहुत बड़ी नर्सरी है ये देखिए। और यहाँ पे हम आए थे गुड़हल का पेड़ लेने के लिए, लेकिन अभी हमें मिला नहीं है। भैया मार्केट से आए थे तो मम्मी ने कहा था गुड़हल का पेड़ लेके आना है। तो ये बता दो ना, पेड़ देखो ये कहाँ का है। देखो ये जेड प्लांट है, ये तो जेड प्लांट लव बेरी भी है। ऐसे ले लेंगे ना एक जेड प्लांट फिर। 25 रुपए का है, 25 का। देखो दिखा दो, 25 का रेट लिखा हुआ है इस पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे रास्ता बना हुआ है अंदर, पूरी ये मतलब नर्सरी है ये देखो, और ऊपर ये शेड लगा हुआ है ये वाला। तो ये देखिए ये मनी प्लांट है, देखिए काफ़ी बड़ी नर्सरी है। तो हम पहुँच रहे हैं, आ रहे भैया उनको बोला हूँ लेके आने के लिए, बाकी भी देखिए देखो देखो बटरफ्लाई, ये बैठ गई है बटरफ्लाई, दिख भी नहीं रही है। चलो मिल गया तो लो। तो गाइस हमें गुड़हल का पेड़ लेना था तो वो हमें मिल चुका है, अभी देखते हैं। अब ये पता नहीं भैया को भी कि रेड होगा या येलो होगा। अच्छा इतना पता नहीं, ज्यादा रेड मतलब ये बता रहे हैं कि रेड क्या है, रेड क्या है। तो ये कितने का पड़ेगा भैया? ये पड़ेगा 90 का। और गुलाब का एक ये वाला कलर है। तो ये भाई साहब कितने का पड़ेगा ना? ये देख लो, ऐसे वाला सही नहीं है ये वाला, जो नहीं देसी लेंगे ये तो फिर वो हो गए ना इंग्लिश गुलाब है ना। अच्छा अच्छा देसी लेंगे, उसकी खुशबू भी ऐसे ये खुशबू भी है और उसके बाद में फूल भी बहुत है। एक बढ़िया सा निकालना बेटा, देखो ये हमारी जैसे देख, देखो ये देखो ये
आओ सारे बॉन्साई यहाँ पे हमारा एक्टिव खड़ा है। तो गाइस हमने ये ले लिए है गुड़हल और गुलाब का रोज प्लांट लेंगे तो फिर लेके आप पकड़ लो अब कहाँ पे रखोगे इसको ये फूल नहीं टूट जाए फूल तो आ जाएंगे फूल का गुलाब का पैसे दे दिए ना भैया वो हाँ दे दिए तो गाइस हम इन्हें रखते हैं स्कूटी पे देखो कैसे कैसे जाता है इतना सारा आइटम रखा हुआ है आप देखो इसको कैसे रखते हैं ये पकड़ो क्या पकड़ना है ये लाओ मेरे को दे अब देखो कैसे रखोगे आप इन्हें घर पे आ गए हैं और अभी आए हैं तो 2:30 बज गया है देखो मैं दिखाऊँ आपको एक बार तो 2:30 बज चुका है घर पे आ गई हूँ खांसी ने इतनी हालत ख़राब कर दी आज मेरी इतनी हालत खराब मेरे से जो ये पन्नी रखी हुई थी ना वो वाली वो मेरे से उठी हुई इतनी वो हो गई है तबीयत ख़राब तो अभी सोच रही हूँ कि डॉक्टर के जाऊँ तो अभी सामान ला रहा है भैया तो अभी थोड़ा सा खाना पीना खा के और हाथ में धो के तब डॉक्टर के जाना है दवाई लेके आ रही हूँ तो अभी गांव में तो है नहीं बाहर जाना है डॉक्टर के यहाँ तो अभी हाथ मुँह धोने डाल दो कहाँ गए ये पता नहीं कहाँ चले गए हैं और देखना इधर से तो मैंने चश्मा लगा लिया था लेकिन उधर से नहीं लगाया तो आंखों में डस्ट भर गई है पूरी और खांसी ने इतनी हालत ख़राब कर रखी मेरी रातों की नींद भगा दी है तो फ्रेंड्स हम मैंने वहाँ से व्लॉग नहीं बनाया नर्सरी से तो मैंने कोई भी रास्ते में व्लॉग नहीं बनाया कोई कुछ भी सूट नहीं कर पाई थी बाकी चलो थोड़ा सा घर पर जाके क्योंकि तबीयत सही नहीं है तो बिल्कुल भी मूड नहीं था व्लॉग बनाने का तो अभी जा रही हूँ डॉक्टर के हाथ धो के कुछ खाना पीना खा के और वहाँ पे तो एकदम अचानक ही बना था मेरा कि भाई चलो आए हैं इधर तो क्यों ना हम मतलब नर्सरी चले तो नर्सरी में पहुँच गए शॉपिंग करते करते तो अभी चलो हाथ मुँह धोती हूँ क्योंकि डस्ट लग रहा है बहुत ज़्यादा डस्ट हो रहा है।